फिर मम्मी ने जीना है ये तो पहली बारी आए हैं दोनों ना बेचिराना पहली बारी आए हो ना ऋषभ और किशु दोनों ही नहीं मिले आपको तो हाँ एक ही है ना किशा से मिलना है किशा को ले आएंगे अपन तो खेल लेगी वो भी हमारे साथ बहुत बदमाश है किशा क्योंकि बहन ही माँ कभी एक और छोटी छोटी और तीसरी छोटी है तीसरी एक और कल तानी तीन कन्या तो आएगी गाइस पर था कभी टाइम फंक्शन में कहीं ना और भी आ जाएगी और भी आ जाएगी तो आप सुबह जल्दी जल्दी कर देश है काल चार बजे उठ गए जी फिर स्टार्ट हुई आप आराम हो जाए जो पूजा वूजा कर भले प्रसाद बटी नहीं क्यों दुर्गा सप्तशती मैं तो 9 बजे भेज दीजो बहन तो थे अठा तक अठा को नहीं आ पाओगे कि फिर 9 बजे तो नहीं मैं तो और जल्दी आऊं ना अच्छा पहली सुबह की पूजा हुई हां पर बाया का दासी एक दासी अठे का सास साहब की आई किरण सुन ले रहा हां तो बस तो 9 बजे भेज दीजिए ना तो कल कहीं तो सुबह फोन कर लेशे आप 9 बजे जल्दी उठो कल मैं कहीं सुबह जल्दी आऊं फिर पहली पूजा हुई पछावन हुई 4-5 घंटा लगा था कल का खाना इधर हम हमारे पड़ोसी के एक जाएंगे हम खाना खाने कन्या जी ने कन्या की मैं तो कन्या कन्या को कन्नी गेस्ट को है हाँ। नहीं कन्या भी जी भी सभी सह परिवार ही है हाँ अच्छा कार्ड तो भेज काई कर और यो एड्रेस भी कौन बताओ जतन में से किया कि मैंने एड्रेस बता दी जो लोकेशन में कि प्रीति घर आ रही थी तो दिख गई तो दिख गई सागरे मोती ए मैया ना सागरे मोती कोटि का चंद्र दीवा कर राजत समय ज्योति ओम जय अम्बे गौरी सुम्बविदारी महिषा सुरी धाती नारानी ओ मैया तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी ओम शिवे पटे रानी ओम जय अम्बे गौरी चौसट योगिनी मंगल गावत नृत्य हेलो फ्रेंड्स कमागणीसा गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, पूजा पाठ हमने कर ही लिए हैं जैसे कि आप सबने देखा ही था, घर का काम ऑलमोस्ट सारा फिनिश हो गया। और हाँ, कल के व्लॉग में आप सबने देखा था कि मैं आज कन्या जिमाने वाली थी, बट हमारे जो नीत्सा है वो अपने मम्मा के घर पे गए हैं हेजल को लेके। तो नीत्सा ने ये बोला कि है ना भाभी साहब यार आज है ना मम्मा को जिमाने दो, मतलब उनकी मम्मा आज कन्या जिमा रहे हैं और कल आप जिमा लेना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कल मैं कन्या जिमा दूंगी। साथ ही साथ स्टार्टिंग की जो क्लिप थी, जीजा आए थे वो इन्विटेशन देने के लिए आए थे, तो जस्ट सामने एक सोलर की कंपनी कल की ओपनिंग है उनकी, तो वहां पे खाने पे भी जाना है, मतलब हमारा सह परिवार का इन्विटेशन है वहां का। साथ ही साथ फटाफट से कल सुबह जल्दी उठूंगी मैं, उठने के बाद में कन्या का काम मैं 9 या 10 बजे के समथिंग वो कर दूंगी। और आज मुझे और पूजा को जाना है नानीसा के घर पे भी कन्या जिमने के लिए, बट कन्या तो मेरे पास नहीं है, यशविनी चलेगी वहां पे, आप सबको पता ही है जोड़ी। नानीसा ने बोला कि तू और पूजा भी है ना मेरे लिए कन्या ही हो, बट इतने आ जाओ जो खानो खाबा तानी। तो नानी के भी जाना है, साथ ही साथ पूजा अभी कंटिन्यू अपना वो कर रही है, पूजा कर रही है, पता नहीं 1-1.5 घंटे तक क्या मांगती रहती है, भगवान के आगे बैठी रहती है। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो खरबूजा काट लिया है, तो कहेंगे अच्छा ये बात है, तो मैंने खरबूजा काट लिया और तरबूज काट लिया। पूजा ने पीछे से ऐसे बोला है कि मैं वहां पे मांगने नहीं बैठती, जब तक माताजी आए हुए रहते हैं तब तक मैं माताजी के सामने ही रहती हूँ, फिर माताजी चले जाएंगे ना फिर उसके बाद में मैं आऊंगी, ऐसा है पूजा का रूल। भाई पूजा के पास रूल बहुत है, रूल रेगुलेशन पूजा, मैं तो खुद बनाती हूँ बट पूजा रीति रिवाज से चलती है। चम्मच ले रही हूँ ये, तो गाइस ये सब मैंने तैयारी करी है पहले। तू बोली होली मैं करी खुद
तो आपको सच्चाई बता देती हूँ, मैंने करी। जीजो सा बताओ। बिल्कुल सुन रहे होगी आप, पूजा बड़ी देर तक बैठी रहे माता जी महाराज के। बताओ के रूल हो गया कि माता जी आ रहे हैं ना, जो तो खाती है ना तब तक भगवान के पास बैठा रहना चाहिए। रूल इज रूल है या अनपढ़ सारा पिस्सा चाहिए विजन करके ऐसा हो गया। जरूरी है कि पिस्सा ही मांगे भगवान। सब क्यों तो मांग ली बठी बेच बेटी में के मांग लिए बता। हां मांग ही लिया दबा दब मांग लिया। ओ जो मेरी जान को बोलो आदमी है काई के भी कोनी मांगने भूल जावे। तेरे जान को खुद खुद ता नहीं मांगे, मेरे जान को पूरा परिवार ता नहीं मांगे। नहीं मैं तो मेरे ता नहीं मांगू सच में। अब कल से मांगशु कल आज दे मांगनो चाहिए भगवान तो केवा मांगो मेरे से है देशु मैं सही है ना मैं जिससे पता सब कुछ मेरे खाता तो मांगे को मांगो रिशल पापा खाता तो मांगे है कि तू सब परिवार के माइन रिशल पापा ने मिली है सब आवे सब एक होनी के तो परिवार का खास है तो बताओ बताओ तो मांगे थन के लगा मांगे कि तक लिए हां क्यों मैं सोच रही हूं हर लोग मांगे को नीर ए कहते कोई नहीं मांगा तो नहीं मैं पूरा परिवार का नहीं मांगू जब परिवार ने स्पेशली खा के लिए कौन मांगू ये ठीक है पूरा परिवार के लिए मांगा थेनिश भी कर रहे हो ताकि भगवान चार पांच दिन का माइंड सगड़ वो सपना है ना वो पूरा कर देसी महाराज मैं वो मांगू तेरा दादा भाई जो आप ले रहा है ना बात दो तीन दिन बाद में अभी ऑडियंस ने बताओ मैंने वहां कई चीज है खतरनाक चीज है थे सोच भी कौन सको जीजो से यहां का निकल सकेगी पूछ ली तो बड़ा मना भी चीज ने है पूछ गाइस है ना आप ना गैस कर सकते हो ऋषभ के पापा क्या लेके आ रहे बताओ गैस कर लेगा कि लोग कर लेगा पक्का ही कौन कर पावे बट तक पूगी कौन पावे नहीं बिका इर्द गिर्द अरे ए ना तरबूजा रे ना तरबूज दोनी दोना ने खत्म कर देगा और मैं थाऊं बाता लाग रही हूं ठीक है गाइस थोड़ी देर बाद में मिलूं पूजा जूस ले लीजिए नहीं तो इस सगला जना बार वाली जे के देगा बस खुद खुद पी लेती है पूजा को नहीं पिलाती है पूजा भैया स्कैनर ला दो स्कैनर हम जा रहे हैं आज आप सोच भी नहीं सकते नानी के ननियाल नानी के नंदिर सोच भी कैसे नहीं सकते मैं तो मेरे नंदिर जाती रही पूजा अब तो देखना कौन सा नंदिर मिलेगा आपको कंटिन्यू रहना पांच मिनट के अंदर अंदर ऋषभ की स्कूल के पास मिलेगा अच्छा ऋषभ को भी ले चले क्या पूजा हाँ साथ में ऋषभ को भी ले लेते हैं सबसे पहले जाएंगे ऋषभ की स्कूल ऋषभ को स्कूल से लेंगे और फिर उसके बाद में जाएंगे अपने नानी सा के पास और वहाँ पे कन्या जिम के आएंगे हम फिर तो कन्या नानी के लिए तो कन्या ही है बावड़ी नानी बना सुबह डायलॉग मारियो मेरे लिए तो कन्या ही हो नानी प्रीति के लिए स्पेशल चीज बना रही है सांगरी की सब्जी हाँ। स्पेशल डिमांड पे आलू की सब्जी बनाई थी वैसे तो पर मैंने नानी सा को बोला कि मैं की सांगरी की सब्जी भी बनाना और मेरी जो नानी है ना सांगरी की सब्जी इतनी जोरदार बनावे कि मैं आंगले भी खा जाऊ सके आंगले भी खाजे हाँ। आंगले तो मना खाजे जे कोई अब ज्यादा को नहीं और मेरे नानी साहब आलू के पराठे इतने अच्छे बनाते कि आप पूछो ही मत कितने अच्छे बनाते। एक दिन प्रीति मैठ रेहूं जना नानी डिमांड करेगा आलू का पराठा बना ले हाँ नानी रोजना व्लॉग देखो जो देख लीजिए पूजा है ना था तनी है ना हाँ। एक वो मेहनत को काम ले रही है एक दो इटी की तो डिमांड पूरी कर दी है मेरी और करनी पड़ सी नहीं तो देख लीजिए मैं भी यही नहीं कहती रहूं थे तो फिरती हूं प्यार करो या तो आलू का पराठा या फिर खिचड़ी नानी की खिचड़ी भी अच्छी बनाते हैं भैया ठीक है तेरी डिमांड पूरी कर सी जना मेरी भी मैं भी चेप लूंगी तेरा मज्जा वजह से मेरा फ्री में मज्जा वजह से। तो ऋषभ की स्कूल में पहुंचते हैं और ऋषभ के कपड़े मैं साथ में लेके आ गई थी बट अब जाके याद आया मैं स्लीपर नहीं लेके उसके स्लीपर क्यों चाहिए ठीक है लाइक कम्फर्ट पे अब शूज पहन रखो स्कूल वाला तो पहनने को क्यों अंदर जाओगे जना तो खोल ही जैसी ना पेर ही जैसी की माइंड भी और पच वापस आसी जना गाड़ी में बैठना सी दो गाड़ी उतर पसी दो बैठा उतरना तू तो यहाँ सोच रही जानी पैदल चालना कदे भी एम्बुलेंस सिर कुछ दिखे ना फिरती भगवान प्रार्थना करिया कर जो भी इसके अंदर है वो राज्य खुशी घर चला जाए तो खाली तन गया मेरा देखी ना फिर भी तन बताऊ और कदे भी एम्बुलेंस पूजली दिखे ना तो तू गाड़ी चला रही है तो पहली बिन जाबा दीजिए ध्यान रख वो तो सब नहीं बेर रहे
चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको ऋषभ के साथ। आज ऋषभ आपने बोला था ना कि मेरे को लेने आना। हाँ। देख ले, लेने आई ना मैं, ये ले देख ले, तेरे को लेने आई ना। हाँ। थैंक यू बोलो। थैंक यू। लुगड़ी लग रही ना दबा ले, दबेड़ी है तेरी लुगड़ी। चल, हो गया। तू ही दबा चुकी इन तो, इन तो। चलो ऋषु, आज नानी सा के घर पे चल रहे हैं अपन। जिमण 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 जिमेंगे। ठीक है भैया, मजे हो गया आज तो ऋषभ को, क्या सरप्राइज मिला है ना। कपड़े भी तो चेंज करने हैं। तो वो तो वहाँ पे कर लो। अरे वहाँ घर पे करना। नहीं नहीं, ऐठे कर ले बात। क्यों और क्या, कैमरा बंद कर दे तू, बस ऐठे कर ले शिव। तो हम पहुंच गए नानी सा के घर पे। ऋषभ का क्या, थोड़ा सा जी घबरा रहा था इसलिए ऋषभ ने लिए फैंटा। चले, कपड़े भी ऋषभ के हो गए चेंज। आज नानी का कन्या जिम पे आई है, आता नहीं संभालेगी सब्जी। नानी की माता जी दिखा दे। खुश रहे, तो इस खाने में मैं बताती हूँ आपको, ये मेरी फेवरेट सब्जी सांगरी की, और चुन्नू ने बनाई है चटनी, और मेरे जो मामी साहब उन्होंने बनाई है आलू की सब्जी, ये रोटी, ये पूड़ी, जलेबी और खीर। ना तो पूजा खाती है ना मैं खाती हूँ, तो मैं लेके नहीं। और चुन्नू हमारे बना रहा है चिलड़े, चिलड़े। चुन्नू क्या बना रहा है? दाल। अच्छा, चिल्ले सूजी के चिलड़े ले। चिल्ले तो जल्दी पकड़ ले। अब चिलड़े चालड़ा कहीं आबाद है, और मन तो जल्दी सी चढ़ू कर आबाद है। तू क्यों जी हां पर खीर से ले ले, थोड़ी भोग लगा बा, भोग लगा बा तानी तो खीर ले। वहां से के ना आ कौन खारी, मुझे खाओगी क्या खीर? थोड़ी तो खाई बता, थोड़ी भगवान को प्रसाद है, चेक एक चम्मच ले, आज तो तन लेनी पड़ेगी कैमरा के सामने। ये सब्जी ये मेरी फेवरेट भगवान, मिर्ची आप कौन लगा? नहीं, सब कुछ जो भी खाओ है ना, बस चीज खानी चाहिए। आ जाएगी खीर, आ जाओ जब खीर आड़ो का। ठीक है चलो ना गाइस, खीर भी है हमारे पास। अब मैं थोड़ा सा भोग लगा लेती हूँ, बाद में दिखाऊंगी। हमारे यहाँ खाना खा रही है और चुन्नू, चुन्नू क्या कर रहा है? चुन्नू के ऋषभ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कौन है? गिटार बजा रहा है। गिटार दिखाना है ऐसे करके। ये चुन्नू भैया का गिटार है, उनको शौक है ऐसे। ये चुन्नू मामा सा का लगता है, ये चुन्नू मामा सा लगते हैं इसके। सब्जी जोरदार होनी है, एक नंबर। पेटी ऊपर गेर खावा। नहीं नहीं, नाते नानी उंडी प्लेट मना बोला कर, तरी गाँव खाऊ बरत के रेडी है। मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता गाइस, मुझे तो रोटी के ऊपर सब्जी डालती हूँ तब भी कोई रंजती हूँ। चटनी पूजली बहुत शानदार है। चुन्नू में जब बैठ गई ना उज्जैन, तो नानी के साथ पेक कर भेजो बनार। अब भाई चटनी है कि नानी भाई चटनी है कि उज्जैन आप लेर गया? हाँ जोरदार बनाई है। क्या किया? बहुत शानदार चटनी बनाई है। आ गई अपनी स्टाइल में। अब क्यों खा रही है? देखो 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 गाइस, अभी तो ऐसे बोल रही थी, तरीके से खा। नानी बहुत शानदार सब्जी बनाया, बहुत ही तगड़ी है। थके जैसे कोई कौन बना सके। नानी बैठी टीवी देखा आपका जो है प्रीति, आज सब्जी तो सच में तेली, तो आज सांगरी तेली मोटी मोटी सांगरी की है। अम्मी सांगरी है, मैं कर मोटी सांगरी में क्या करूं, अम्मी सांगरी है। बहुत शानदार बनी है सच में, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है सब्जी।
खतरनाक तो मेरा दवी की बनाई दी अभी पहली बार बनाई दी हां हां वीर हमें बहुत जोरदार अब एक दिन मेरता ने आलू का परांठा या फिर खिचड़ी बनानी पड़ेगी आज इन बोलो ना छोड़े ही कोनी पर चुन्नू घसा के चलते प्लेट में चिल्लो आगे नहीं कैसा है तो बता देना प्लेट में ये खाता है रोटी नहीं खाता चुनू है नानी बना पाते हुए अंडा ऋषभ क्या बोल रही थी मम्मी अभी अभी क्या बोल रही थी वापस भूख सच में लग गई जी नींद लेर मैं उठी ना मैं मनिए लाग रही मैं रोटी कौन कही चुन्नू तेला चीलड़ा गल गया लग गया माइंड अति से देर में 10 मिनट की प्लान है ये डाइट प्लान है इसके अंदर तगड़ो ही अच्छे नानी किसी तन की हो ना पहले खा ले दा पर रंजुल अब कोई ऑप्शन नहीं कोनी का बगो दोबारा नानी कहीं करे पता नहीं आगे नानी आपको टीवी देख टीवी के सामने गई नानी आज तक अगर आज तक चैनल का आगे बैठ गई नानी अरे यार ऋषभ की मैम का कॉल आ रहा गाइस अब फटाफट से घर पे भी जाना पड़ेगा क्योंकि ऋषभ की मैम घूम के आई है उदयपुर और उनके हालचाल भी पूछेंगे अपन जाके और साथ ही साथ ऋषभ को काफी दिन हो गए पड़े हुए तो उसको पढ़ाई भी करवाएंगे आज तो ऋषभ की तबीयत सही नहीं है ठीक है नानी बाय